सब जनन घर राम राम पहुँचे हैं बुंदेलखंड की निया की वीडियो में आप सब जनन को एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो इत पे चल लो नाश्ता। और जैसे कि हमने बताया तो कि सुबह नाश्ता में छोले भटूरे बने थे, तो छोटे भटूरे को नाश्ता चल लो। और 4 बजे के आसपास थोड़ी ठंडक हो गई थी तो चारों तरफ अलाव भी जल लो, तो जी का ठंडी लग रही हो तो तापो। और तापे के भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, धुआं उँ वालों ताप भुनी है तो आराम से बहुत अच्छे से आग जल रही थी। और बस इत पे हम लोग अपने बैग वगैरह ले आए, कैसे विदाई को भी टाइम होगा। और मोहिनी देखो कितनी उदास लग रही, कैसे मोहिनी का कोई भी हो तो सब खुलागत कि बस विदाई होने अब हमें जाना है। और जात भी सब कोई है, सबका पता भी रहे, लेकिन टेंशन होता ही है कि अब मतलब विदाई को टाइम आ गया, अब घर से चले जा रहे और बस अब दूसरे घर में रहने हैं। और जिया जी समझा रहे थे मोहिनी का कि बिल्कुल भी नहीं रोने, जैसे रात में डांस करो तो ना वैसी डांस करके जाने। तो हर चीज़ की अलग अलग एंट्री हो, जाए की एंट्री रोगी हो और जयमाला की एंट्री डांस करके हो। और इत्यागी सच के गाड़ी बस हम लोग नीचे उतर रहे और वह मोहिनी को फिर से लहंगा पहना के लो बलिया और पीली वाली साड़ियाँ थी जो भौरन की बतह लगा के रख दी। और हमने कल बताई थी कि चांदी को दिया और चांदी की सीख है, तो वो दिया तो है तो चांदी को और सीख थी सोने की, हमें पता नहीं है। तो अनमोल अभी के पापा कह रहे थे नहीं सीख चांदी की नहीं थी, सोने की थी, तो हमने ऐसे कहा बोल दी। तो हमने कही चलो हम कल बता दें। और ये बस मोहिनी की विदाई को टाइम आ गया ना, तो सब लोग गांठी बांधा तो मतलब विदाई के टाइम पे पैसा दे दीजिएगा जितने देने हो। तो बस इस पे विदाई शुरू हो गई और विक्की और मोहिनी बहुत रो रहे और हम लोग भी रो रहे, सब लोग रो रहे और मम्मी रो रही थी। और थोड़ी तेज जब एंड ज़्यादा करीब आ टाइम तो ज़्यादा ही रोबो आ, तो बस मम्मी इतने में खड़ी हैं जो इतने में गिर गई थी, बेहोश हो गई थी मम्मी, तेज़ आवाज़ वगैरह भई और बेहोश हो गई थी मम्मी। फिर सब लोगों ने कही कि अब थोड़ी रुक जा, और ढोल बज रहे थे तो ढोल थोड़ी आगे कह देती कि बजा लो, तो भी लोग ढोल बजा रहे थे और थोड़ी देर लाने बंद करवा देते। फिर मम्मी थोड़ी होश में आ गई थी तो फिर मम्मी से कह देती कि तुम लेटी रहो। और वैसे नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि विदाई में जैसे कि मोहिनी चावल फेंकती, घर ही से बात कर लेती मम्मी से कि तो मोहिनी के पीछे रही हो और मोहिनी चावल फेंके तो पल्लू में आए, मम्मी कह रही थी। अब लेकिन अचानक से उनकी हालत बिगड़ गई तो फिर जो चीज़ सोची थी वो नहीं हो पाई। और बस मम्मी अब लेटी हैं, उनकी जान में तो यही है कि मोहिनी अब है, उनसे कह दे कि मोहिनी बैठी है तुम लेटी रहो। तो चुपचाप फिर लुबा लिया मोहिनी का, और ना फिर हम लोग मन खोल के रो पाए, ना मोहिनी और ना पापा लोग बिल्कुल मतलब जैसे कि विदाई के टाइम पे रूब हुआ था ना, तो रूब तो सब खा रहे थे लेकिन मन मार के फिर सब लोग रह गए थे और मन की भवक मनई में रह गई। और मोहिनी का भी बहुत रूब हुआ रहा था तो हम लोग का भी बहुत दुख हो रहा था कि मतलब पूरी शादी बहुत अच्छे से निपट गई और निपट विदा भी निपट गई थी, बस जो है कि जौन हिसाब से सोच रहे थे कि विदा हुई है तो विदाई नहीं हो पाई। वो भी मम्मी सही तो हती, केवल बड़बड़ाहट के मारे भी बेहोश हो गई थी। तो बस मम्मी लेटी हैं आराम से और हम लोग कह रहे कि आ रहे हैं बिहार, तो बस मोहिनी का चुपचाप बिठा लो गाड़ी में। और इंतजार भी कर रहे थे मम्मी को कि मम्मी और अच्छे से सही हो जाए, लेकिन बात का है कि ई वाले होटल में विवाह घर में आज इनकी फिर से एक शादी है, तो उन्हें अभी साफ़ सफाई करने अपने होटल के विवाह घर की, तो वे लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हमारे दूसरे बयान वाले कस्टमर तो हमें भी ज़रूरत है और आप लोग की भी मजबूरी है। तो हम लोग बस अपने हिसाब से फिर प्रोग्राम धीरे धीरे निपटा रहे थे। और मम्मी लेटी आती तो जो वाला प्रोग्राम दादी बुआ कर रही, यानी कि जी पापा की बुआ हैं। और बस जो थोड़ी रस्म होती तो ये बारे में हम लोग का पता नहीं है, तो फिर लड़का वाले साइड से एक लोग बोले कि ऐसी रस्म भी हो, तो हम लोग ने कही मम्मी तो लेटी हैं हम लोग का पता नहीं है, फिर लोग ने बताई तो हम लोग ने फिर कही, तो फिर बुआ और चाची मिलकर कर रही जवाली रस्म। और बस गाड़ी जो रस्म होने के बाद गाड़ी थोड़ी सी बस आगे बढ़े फिर रुक जाए, तो जो रस्म होती एक तो गाड़ी घर रुका के फिर बहनोई जी का उतार लिया है चाची, तो फिर कोई एक रस्म हो भाभी वाली। तो
मेवा रहे थे बटुआ या पर्स मतलब कछु भी हो डिब्बा वगैरह, तो वो बहनोई और जो भाभी रहे हैं तो उनकी कोई मिला के रसम होत की एक लोग खास लो अच्छे से, तो फिर भाभी दे हैं उन्हें वो पर्स और बेर में उसे निकाल के मेवा फिर भाभी का दे हैं कछु भी, और बस फिर बाबा रसम होने। और फिर सब लोग कह रहे थे कि एक वो जो रसम भी होत की मम्मी को मतलब जो बहनों ही है वो मम्मी को पल्लू पकड़े, फिर मम्मी उनकी मतलब पाँव छूए और फिर कछु भी होते हैं थोड़ी बहुत, तो वो हमें पक्को नहीं पता। हम बाहर ही रहते मोहिनी के पास खड़े थे, तो मोहिनी बैठी है गाड़ी में भैया का बस लो आ जाने आज बहनों ही का, और बस जो है विवाह घर, तो हम लोग की बस और गाड़ी भी आके लग गई, तो मैं सामान रखने लेकिन अब विदाई पूरी हो जाए फिर उसके बाद लगा है अपनों सामान, और बस अब चाची चली भैया का लुबान। तो बिक्की मम्मी का उठा के बैठा लाए, और भैया का इन्हें लाल जी का भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो तो कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन ना बेकछू कर सकते ना हम लोग कैसे गेस्ट हाउस खाली करने थे, तो दो जने मजबूर थी वैसे उन्हें अपने घर पे जाने, तो हमें अपने घर पे ना हमारा घर रहते होते ना उनको घर रहते, और बस अब हो गई पूरी विदाई कंप्लीट, और बस जो भाभी वाली जो रसम हती जो अब चल रही है तय पे। अब थोड़ी सो भैया ने निकाल के दे दे रहे भाभी का, और बाकी को जो जे ले जाए, और मोहिनी को भी कुल्ला करा के कच्चे दूध से फिर बिठाओ तो गाड़ी में, और बस अब बिक्की लुवा जा रहे भैया का और भैया बैठ जाए हैं, तो बस विदा पूरी हो गई। बहुत से लोग अपने अपने बैग गाड़ी आड़ी में रखने लगे, लेकिन अभी हम लोग बिजी थे तो हम लोग ने कहीं आराम से रख ले हैं, और अब पूरी शादी हो गई कंप्लीट। और आप लोगों का शादी कैसी लगी, विदाई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो का लाइक करवो ना भूलियो, और बस हमारी मोहिनी कैसी लगी और मोहिनी की विदाई हो गई, और मोहिनी का बहुत सारी दुआ दियो और बहुत ज़्यादा वीडियो का शेयर भी करियो। बस भाई बहन की भी छड़ गई जोड़ी, याद रह गई थोड़ी, और वैसे तो फ़ोन में भी बात हो जाता आजकल, पहले रह जाती याद थोड़ी, अब तो फ़ोन में बात कर लूँ वीडियो कॉल कर लूँ जाते ही साथ। तो हम लोग जैसे ही घर से इतने निकले थे ना, तो फिर जो डिसाइड करो कि बुआ रहती करबी में, तो मम्मी और बिक्की रह गए थे करबी में, और हम लोग सब लोग चले गए थे, मोहिनी की विदाई हो गई थी, तो हम लोग मम्मी और बिक्की का छोड़ के बस में हम सब लोग चले गए थे। मम्मी फिर दो दिन बाद आई थी जब बिल्कुल सही हो गई थी, और हम लोग ने भी कह दी थी कि जब बिल्कुल सही हो जाए मम्मी तब ही लुभा के ले आई हो बिक्की, तो फिर बिक्की और मम्मी आए थे ट्रेन से। तो मोहिनी का फिर हमने रास्ते में फ़ोन कर दो तो कि हम लोग निकल गए, मम्मी भी बिल्कुल अच्छी हो गई, मम्मी बुआ के तय रुक गई, और तुम भी अब टेंशन नहीं लियो। और बस आज को वीडियो कैसे लगो कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइए, और वीडियो का लाइक शेयर कर दियो, और बहुत सारा खाना रखो तो दीपांशु खबा रहे गैया का खाना सब्जी भी रखी थी पूड़ी वगैरह, तो और पापड़ापड़ सब हती तो जो डाल दी दीपांशु ने।